द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन उस जन आशीर्वाद यात्रा में जनता आशीर्वाद देने ही नहीं पहुंच रही है, उसमें लोग ही नहीं पहुंच रहे, भीड़ ही नहीं पहुंच रही, क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर कुछ किया हो तो जनता भी उनके लिए कुछ करे, जनता भी सड़कों पर उतरे, उनके साथ पैदल चले, उनके साथ लोगों तक मिले। अब भीड़ बुलाने के लिए पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है कि इतनी बाइक लेके आओ, हर बाइक पे पेट्रोल भरवाएंगे और उसके साथ साथ पैसे भी देंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। अब इस उम्मीद में आम जनमानस सोचते हैं, चलो कोई काम नहीं है, कुछ बाइक ले चलते हैं, पेट्रोल भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और जब चुनाव आते हैं तो लोकतंत्र का पर्व समझकर कुछ लोग इन्हीं लोगों के झांसे में आ जाते हैं। अब एक शख्स हैं, वो आ गए, बाद में पता चला बेचारे बाइक लेकर आए, वो भी 19 और तो मतलब 13 बाइक लेकर आए, बताया जा रहा है 13 बाइक लेकर आए, लेकिन ना खाने पीने कुछ मिला, ना पानी किसी ने पूछा, पेट्रोल तो दूर की बात। अब जो 13 लोग अन्य लोग थे उससे पूछने लगे कि तुम भैया लेके आओ, अब तुम हमको पैसा दो। अब वो परेशान, वो पहुंच गया थाने, थाने में शिकायत कर रहा है कि देखिए इस तरह हमारे साथ हुआ, मंडल अध्यक्ष साहब ने हमसे कहा था इतने लोगों को ले आओ, हम पैसा देंगे, पेट्रोल भरवाएंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तब ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। अब जरा आप देखिए कि हालात क्या हो रहे हैं। ये काज ने ट्वीट किया है, वो शख्स जिसका नाम है मनीष यादव, उसने बकायदे थाने में शिकायत की है कि भाजपा नेता ने चित्रकूट में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए प्रति बाइक पेट्रोल 200 रुपये खाना और पानी देने का वादा किया था। यानी 200 रुपया मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, मिला कुछ नहीं। बेचारे मनीष यादव जी भोले भाले थे, इनके झांसे में आ गए। अब जरा देखिए, वो थाने के बाहर खड़े और कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं, हम लोग गए थे, तो सुन लीजिए आप। वहाँ प्रबल राव श्रीवास्तव जी गए थे हमारे गांव, बोल रहे थे आप बाइकों में किसी भी वाहन में जाएंगे, आपको तेल का खर्चा, आपको खर्चा और तेल का पैसा मिलेगा और भोजन भी मिलेगा। जो कि जितने आदमी हमारे गांव से आए तो ना किसी को पानी मिला, ना तो भोजन मिला, ना तो पैसा मिला पेट्रोल। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से वो अपनी व्यथा बता रहा है, अपनी समस्या बता रहा है, कह रहा है कि हम लेकर आए थे लेकिन यहाँ पर तो कोई पानी तक को नहीं पूछा। अब काज ने ट्वीट किया है कि एमपी इलेक्शन 2023 ठग। सतना के मनीष यादव ने थाने में शिकायत की कि एक भाजपा नेता ने चित्रकूट में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा यानी जेपी नड्डा की रैली में भीड़ जुटाने के लिए प्रति बाइक पेट्रोल 200 रुपये खाना और पानी देने का वादा किया। भोले भाले यादव अपने गांव से 13 बाइक लेकर पहुंचे, सबका खर्च वहन किया। रैली के बाद जब भाजपा नेता ने पैसे मांगे तो धुतकार कर भगा दिया। नाराज यादव ने थाने में शिकायत कर भाजपा नेता से वसूली की मांग की है, ये वसूली की जाए। देखिए शिकायती पत्र भी आप देख सकते हैं, ये शिकायती पत्र, इसमें लिखा है कि सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, ये मझगवा जिला सतना, विषय दिलवाए जाने बाबत एवं पेट्रोल, मतलब पैसा एवं पेट्रोल। निवेदन है कि प्रार्थी मनीष कुमार यादव, पिता जयराम यादव, निवासी ग्राम परवनिया वलार थाना मझगवा का हूँ। दिनांक ये तारीख 1/9/2023 को जिससे वर्ता गाँव, मतलब वो राइटिंग भी ऐसी है कि पढ़ी नहीं जा रही, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से ये शिकायत हुई और शिकायत होने के बाद अभी मामला चर्चा में आ गया, लोग इस पर ट्वीट करने लगे हैं, लोग जो है सवाल दागने रहे, भैया भारतीय जनता पार्टी वाले तो अभी से दगा दे रहे हैं और फिर जो चुनाव जीत जाएंगे तो इनका हाल क्या होगा। दैनिक भास्कर ने भी खबर लिखी है कि साहब मुझे पेट्रोल के पैसे दिला दीजिए। भाजपा मंडल अध्यक्ष के खिलाफ थाने पहुंचा युवक, बोला मैं जन आशीर्वाद यात्रा में भीड़ लाया था। तो देखिए वेबसाइट में लिखा कि साहब मुझसे वादा किया गया था कि तुम मिचुरिकन में आयोजित सभा में लोगों को लेकर आओ तो तुम्हें बाइकों में पेट्रोल का पैसा दिया जाएगा, खर्च और भोजन पानी भी मिलेगा, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है। मंडल अध्यक्ष अपने वादे से मुकर गए हैं। ये इबारत एक ऐसे आवेदन की है जिसने मझगवा थाना पुलिस को भी पशुपेश में डाल दिया है। दिग्गज नेताओं की भीड़ में जनता की स्वस्फूर्त भीड़ आने के राजनीतिक दलों के दावों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम मंत्रियों और दिग्गजों भाजपाइयों की मौजूदगी में चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मझगवा के मिचुकरिन से शुरू हुई भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का मामला थाना पहुंचा है।
चित्रकूट विधानसभा के पडवनिया कोठार निवासी मनीष यादव नामक एक युवक ने भाजपा के मंझगवा मंडल अध्यक्ष प्रबल राय श्रीवास्तव पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मंझगवा थाना पुलिस से पेट्रोल और खर्च के पैसे दिलाने की मांग की है। मनीष यादव ने थाना मंझगवा में दी गई शिकायत में पुलिस को बताया कि उसे मंडल अध्यक्ष प्रबल ने मिचकुरिन सभा में भीड़ ले जाने को कहा था। उसने वादा किया था कि प्रति बाइक उसे पेट्रोल के अलावा 200 रुपए खर्च और भोजन भी दिया जाएगा। वो सभा में 13 बाइकों में 26 लोगों को लेकर गांव से पहुंचा, लेकिन अब जब उसने मंडल अध्यक्ष प्रबल राव से पैसे मांगे तो वे मुकर गए। जिन लोगों को वो साथ लेकर आया था उन्हें भोजन पानी भी नहीं दिया गया, उसे अपने पास से उन्हें खर्च के पैसे भी देने पड़े। मनीष ने पुलिस से मांग की है कि वो उसे वादे के अनुसार मंडल अध्यक्ष या अन्य जिम्मेदारों से उनके पैसे दिलाएं। पुलिस ने फिलहाल उसके आवेदन पर सील लगाकर पावती दे दी है। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी से ही जनता के साथ धोखा धड़ी करने लगे हैं। वो जनता को धोखे में रख रहे हैं। अमर उजाला ने भी लिखा है कि MP जन आशीर्वाद यात्रा के साथ ही विवाद भी शुरू। कार्यकर्ता का आरोप, पेट्रोल और खाने का खर्च नहीं मिला। 13 लोगों को वो लेकर गया था और 13 लोगों ने अब उसके जीना हराम कर दिया उसका। इस वजह से वो थाने पहुंच गया, उसने अपने जेब से पैसे दिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत रविवार को हुई, साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। यात्रा में शामिल एक कार्यकर्ता ने पेट्रोल और खाने का खर्च न देने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम मंत्रियों और दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंझगवा के मिचकुरिन से रविवार को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गए हैं, मामला थाने तक पहुंच गया है। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के पडवनिया कोठार निवासी मनीष यादव ने भाजपा के मंझगवा मंडल अध्यक्ष प्रबल राव श्रीवास्तव पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने मंझगवा थाना पुलिस से पेट्रोल और खर्च के पैसे दिलाने की भी मांग की है। मनीष यादव ने थाना मंझगवा में दी गई शिकायत पर कहा है कि उसे मंडल अध्यक्ष प्रबल ने मिचकुरिन सभा में भीड़ लाने को कहा था। उससे वादा किया था कि प्रति बाइक उसे पेट्रोल के अलावा 200 रुपए और भोजन का खर्च भी दिया जाएगा। वो सभा में 13 बाइक्स पर 26 लोगों को लेकर पहुंचा। इसके बाद जब उसने मंडल अध्यक्ष प्रबल राव से पैसे मांगे तो वो मुकर गया। जिन लोगों को वो साथ में लेकर आया था उन्हें भोजन पानी भी नहीं दिया गया, उसे अपने पैसे खर्च करने पड़े। मनीष ने पुलिस से मांग की है कि वो अब उसे वादे के अनुसार मंडल अध्यक्ष या अन्य जिम्मेदारों से पैसा दिलाएं। पुलिस ने भी फिलहाल उसके आवेदन पर सील लगाकर पावती दे दी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले BJP जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इसका आगाज भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट क्षेत्र से हुआ था। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने रविवार को यात्रा की हरी झंडी दिखा दी। पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चित्रकूट विधानसभा से यात्रा शुरू करनी थी, लेकिन वे अब 5 सितंबर को मंडला से महाकौशल क्षेत्र और शिवपुर से ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र की यात्राओं का शुभारंभ करेंगे। BJP पहली बार मध्य प्रदेश में एक साथ 5 यात्राएं निकालने जा रही है। पहले चरण की यात्रा 17 जिले की चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगवा के पास मिचकुरिन गांव से शुरू हुई। 17 से 18 दिन में यात्रा 10,543 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो यात्रा निकल रही है, लेकिन यात्रा से पहले ही विवाद भी साथ आ रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी और हो रही है कि नेता अभी से ये हाल कर रहे हैं तो जीतने के बाद न जाने क्या क्या करेंगे। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।